हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी पिंडी छोले, जिसे आप नान के साथ, भटूरे के साथ या फिर कुलचों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। पिंडी छोले बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम मोटे वाले छोले लिए हैं। अब हम इसे उबलने के लिए रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने चाय पत्ती की छोटी सी पोटली बना दी है, ये हम इसमें डालेंगे। आपके पास अगर टी बैग है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और 1/4 स्पून बेकिंग सोडा ये डालकर हम इसे ढककर गैस पर रख देंगे और 4 से 5 सीटी लगाएंगे। तो इतने हमारे छोले उबल कर रेडी होते हैं। हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने ये 2 प्याज ली हैं, 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक और ये 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसको हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और ये ग्राइंड कर लेंगे का पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखिए, ये छोले हमारे रेडी हैं, ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इजली, और यहाँ मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। आइए तो हम इसमें तड़का लगाते हैं। हम तेल ऐड करेंगे, ये तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपने इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 2 लौंग ली है, 2 तेज पत्ते, ये दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और जीरा। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसे हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसमें ये पेस्ट बनाया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर छोटे छोटे कट कर लिए हैं, इसकी प्योरी बना लेंगे। इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच चना मसाला। चना मसाला आप किसी भी कंपनी का दे सकते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। हमारा मसाला रेडी है। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आपके पास अगर अनारदाना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे ये मसाले सारे रेडी हैं। देखिए, ये हमारा हो चुका है। इसमें हमने ये टोमेटो प्यूरी बनाई है, वो ऐड कर देंगे।
जो हमने मसाले तैयार किए हैं ये रेडी करेंगे। पीस में ऐड करेंगे देखिए, जिसमें हमने मिक्सचर बनाया था इसमें थोड़ा ये लगा हुआ था तो मैं इसे पानी डाल दिया है इससे हमारा वेस्ट ना हो। इसे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। याद रहे नमक हमने छोलों में भी ऐड किया है तो हम उसी अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेंगे। हमें इसे 7 से 8 मिनट भूनना है तो लो फ्लेम पे हम पहले 5 से 6 मिनट इसे ढककर भूनेंगे। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है कहीं हमारा मसाला लग ना जाए। देखिए ये हमारा हो चुका है, इसमें ये तेल आना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं। हम इसे 1 मिनट तक खोल कर ही भूनेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर लेंगे। आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें अपने छोले ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे थोड़े ठीक हैं, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे लेकिन पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इतना ही करना है कि इतना इसके अंदर सक हो जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो ये जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसका टेस्ट भी बेटर हो जाता है। और इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए हैं और ये रेडी है हमारा। ये हमारे पिंडी चने बनके रेडी हैं। आप इसे भटूरे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ कैसे भी खा सकते हैं। देखिए ये हमने इसमें सर्व कर लिए हैं। अब हम इसमें अपना फाइनल टच देंगे।
के लिए हम एक पैन में, मैंने ये बटर लिया है, आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के लिए मैंने 3 हरी मिर्च को स्लाइस में कट कर लिया है, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और थोड़ी सी अनियन। हम इसमें ये सब ऐड कर लेंगे। हमें इसे कंप्लीट फ्राई नहीं करना है। इसके अंदर हम थोड़ा डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे, नहीं तो हमारी ये जलने का डर रहता है। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें ये ऐड करेंगे तड़का। ये देखिए रेडी है हमारा पिंडी चना, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो लहसुन हमने बाद में डाला है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।